गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लास में इनोवेटिव ट्रेंड्स इन इंडियन बैंकिंग पे बात की थी कि उसकी क्यों आवश्यकता हुई है, क्या कारण हुआ है कि बैंकिंग के अंतर्गत ये कुछ सुधार होते गए। इन सुधार की जब हम बात कर रहे थे, जो ये नवोन्मेषी जो प्रवृत्तियां हैं इसके अंतर्गत हम लोगों ने रिटेल बैंकिंग में बात कर चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, उसके अंतर्गत आ गई है बात स्मार्ट कार्ड्स। स्मार्ट कार्ड की जो फैसिलिटी है ये अंदर इनोवेटिव ट्रेंड्स है। स्मार्ट कार्ड्स के अंतर्गत आजकल आपको कैश रुपये की जरूरत नहीं है। दो तरह के कार्ड होते हैं स्मार्ट कार्ड्स के अंतर्गत। एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। दोनों तरह के कार्ड जो होते हैं प्लास्टिक के कार्ड होते हैं। आपके बैंक खाते से ये लिंक होते हैं ये कार्ड्स। दोनों में जो डिफरेंस है वो ये होता है, डेबिट कार्ड के अंतर्गत आपके खाते के अंतर्गत जितना पैसा जमा है आप उतना ही पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी दी गई है, जो शॉपिंग करना चाहते हैं कस्टमर्स लेकिन अभी उनके पास पैसा नहीं है, इसके अंतर्गत मार्जिन होता है, इसके अंतर्गत इंटरेस्ट भी लगता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स जस्ट अ शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड नाम से दिख रहा है उधार। आप शॉपिंग करने गए, यू डोंट हैव कैश एंड यू डोंट हैव मनी इन योर बैंक अकाउंट। आपके पास कार्ड है, आप गए, आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसका पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद में आपको टाइम लिमिट दी जाती है कि 10 दिन 12 दिन 15 दिन के अंतर्गत आप पैसे का मैनेजमेंट करके आप बैंक अकाउंट में वो पैसा रिमबर्स कर दीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ही ज्यादा लगेगी। देखिए नॉर्मल बेसिस के लोन्स के अंतर्गत और क्रेडिट कार्ड में, इन दोनों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है क्रेडिट कार्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होती है। बट जब अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, कैश नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप यूज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। इससे क्या हुआ कि आपको कैश के झंझट से मुक्ति हो गई, चेक के थ्रू भी भुगतान नहीं करना पड़ा और सेम टाइम पे आपके इसमें से पैसा कट गया। नेक्स्ट फैसिलिटी हम लोग बात करते हैं वो होती है एटीएम। एटीएम जो है उसके फॉर्म में कई बार पूछी जाती है जिसको कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम पे आप जाएंगे, एटीएम पे आप आपका डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यूज करके आप, जैसे आपको कैश की जरूरत है, आप डेबिट कार्ड लेके गए वहां पे डाला आपने, देन उसके बाद आपने आपकी पिन यूज करके आप आपके जो खाता है उसके अंतर्गत जो आप जमा राशि है जितनी आपको निकालनी है जमा राशि के बराबर आप राशि उसमें से निकाल सकते हैं। सो इस केस में भी आपको बैंक जाने की जरूरत या आवश्यकता नहीं हुई है। वन मोर थिंग, एटीएम पे आप पैसा जमा भी कर सकते हैं। उसके अंतर्गत आपके जाएंगे वहां पे, आप कैश जमा कराएंगे, एक जो प्रोसीजर है प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आप एटीएम जो फैसिलिटी है वहां पे पैसा जमा भी करा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटी हम लेंगे ईएफटी। ईएफटी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। ईएफटी फैसिलिटी के अंतर्गत, ईएफटी के अंतर्गत दो तरह की फैसिलिटीज होती है। एक होती है एनईएफटी
खाते में, सॉरी उसके कहाँ पर नहीं, उसके बैंक खाते में पहुंच जाता है। इसके लिए आपको क्या आवश्यकता होती है? इसके लिए आपको सामने वाली पार्टी का एक तो बैंक खाता संख्या चाहिएगा, एक चाहिएगा आप उसका IFS कोड, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 डिजिट का होता है, जिसके सामने की जो चार पहली वाली जो चार डिजिट होती है उसके अंदर बैंक का नाम होता है, देन उसके बाद फिर शहर का, देन ब्रांच का कोड। 11 डिजिट का कोड होता है, ये दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। इन दोनों के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।